स्वरूपा है। धर्म संरक्षण और देश रक्षा हेतु देवी शक्ति ने जहाँ जहाँ विभिन्न अवतार लिए वहाँ अपने विशिष्ट चमत्कार दिखाए। 51 शक्ति पीठों में से महत्वपूर्ण शक्ति पीठ माँ हिंगलाज जो कि सीमांत सिंध प्रांत पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, जिनके शाक्त उपासक राजपूत और चारण जाति के लोग हैं। कहा जाता है कि मामणिया चारण ने संतान प्राप्ति हेतु माँ हिंगलाज की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर विक्रम संवत 808 चैत्र सुदी नवमी मंगलवार के दिन आवड़ माता ने उनके घर जन्म लिया, जो वर्तमान में माँ तनोट राय के नाम से विख्यात है। 9वीं शताब्दी में देवी भक्त महाराजा केहर ने अपने पुत्र तनु के नाम से एक कोट और नगर बसाकर तनोटिया देवी के मंदिर की स्थापना की थी। आजादी से पूर्व शाक द्वीपीय मग भोजक ब्राह्मण समाज में मथुरिया गोत्र के सिद्ध पुरुष श्री बोली दहन जी सेवक द्वारा माता की उपासना की जाती थी। नमो जगदम्बर जोगाना रूप, नमो जगदम्ब प्रत्यक्ष स्वरूप, नमो महाकाली आदि अनूप, नमो वर्षाली मही रसकु, नमो खगधार करो खलनास, नमो सुर हित पुरा वही आस, नमो तब सानिया नाम अनाद, नमो रखनी यदुवंश मर्याद, नमो गढ़े दे सल मेर मैदान, नमो सुर राय वीराजत आन, नमो सर जीवणि जागति जोत, नमो नमो जय देवी सदा सुख चैन, नमो कवि सेवक तेज तुमार, नमो यश धारण आवत पार। हे जगत जननी योगिनी रूपा, हे जगदम्बा प्रत्यक्ष स्वरूपा, हे महाकाली अनादि अनुपमा, आपको बारंबार नमन करते हैं। अपनी खड़गधार से दानवों का नाश करने वाले विभिन्न स्थानों से होते हुए आप जैसलमेरगढ़ में आकर विराजमान हुई है। आपकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर हम आपको नमन करते हैं। आज भारत पाक सीमा पर तनोट राय माता का विश्व प्रसिद्ध मंदिर अपने चमत्कारों और शक्ति के कारण स्वयं एक शक्तिपीठ बन गया है। राजशाही शासन काल में यहाँ का दुर्गम क्षेत्र व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा था, संसाधनों की कमी और रेत के विशाल भंवर। इस बीच सिर्फ रसद लदे हजारों हजारों ऊंटों के काफिले सिंध पंजाब के रास्ते अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक जाते थे। ऊंटों के अलावा आने जाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। 17 नवंबर सन 1965 की है। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र की सीमांत चौकी तनोट को तीन दिशाओं से घेर लिया था, जहां 6 किलोमीटर उत्तर में अचरी टोबा, पूर्व में किशनगढ़ से 78 किलोमीटर बोली तक, पश्चिम में लोंगेवाला और शाहगढ़ तक कब्जा कर लिया था। हमारे जाबाज मेजर जय सिंह SM और मेजर पूरन सिंह वीर चक्र, जिनकी कमांड में 13 ग्रेनेडियर्स की 2 स्क्वाड्रन और श्री नारायण सिंह चौहान कंपनी कमांडर 4 RAC, वर्तमान में 13 बटालियन BSF की एक कंपनी के जवानों ने अपना मोर्चा खोल दिया और शूरता से डटे रहे। शत्रु ने तनोट जाने वाले मार्ग को घंटियाली के पास एंबुश द्वारा एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइंस बिछा कर काट दिया था, जबकि हमारे पास सीमित साधनों से उन्हें रोकने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। इसी दौरान पोस्ट में उपस्थित जवान गुमान सिंह जी को माता की अनुभूति हुई। उन्होंने बेलसे में माता की जोत जला कर ध्यान लगाया और सभी जवानों को अपने अपने मोर्चों में रहने के लिए कहा और बताया कि किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। उधर तनोट क्षेत्र को कब्जे में लेने के लिए शत्रु ने सपोर्टिंग गनों, मोर्टर्स, T-16 वेपन कैरियर्स और भारी असलहों के साथ हमला कर दिया। तीन तरफ से दिल दहलाने वाली गर्जनों के बीच मां की छत्र छाया में हमारे जवान 2 दिनों तक अपने मोर्चे में बहादुरी से डटे रहे और अपने सीमित संसाधनों से उन पर प्रहार करते रहे। ये बातें शुरू करने का
चमत्कार है। दुश्मन के द्वारा हजारों बमों के फायर के बावजूद भी पोस्ट में उपस्थित जवानों और मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ और मोर्चे में गिरे तकरीबन 450 बमों में से एक भी बम नहीं फटा। वहीं हमारे जवानों के फायर से दुश्मन के कई जवान लगातार हताहत हो रहे थे। अंततः अपना भारी नुकसान होते देख दुश्मन फौज को लड़ाई का मैदान छोड़ भागने को मजबूर होना पड़ा। इस युद्ध की महत्वपूर्ण बात यह है कि रामगढ़ जैसलमेर मार्ग जो रणाऊ और घंटियाली होकर तनोर से जुड़ा था, यदि किशनगढ़ से शाहगढ़ तक का पूर्ण क्षेत्र पाक के कब्जे में चला जाता तो दुश्मन को रामगढ़ होते हुए जैसलमेर तक कोई रोकने वाला नहीं था, जो हमारी इस युद्ध क्षेत्र में रणनीतिक हार होती और इसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ते। इस रण में 13वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल के कंपनी कमांडर श्री नारायण सिंह जी चौहान और उनके प्लाटून कमांडर श्री माधो सिंह जी इंदा, श्री रघुवीर सिंह जी और श्री पदम सिंह जी के नेतृत्व में मेजर जय सिंह व उनकी स्क्वाड से कंधा मिलाकर विजय प्राप्त की और दुश्मनों को घुटनों के बल ला दिया। आकाशवाणी द्वारा दुश्मन पर विजय के समाचारों की घोषणा पूरे देश ने उत्साह और जोश के साथ सुनी। इसी दौरान घंटियाली माता मंदिर में भी एक और चमत्कारिक घटना हुई, जब शत्रुओं ने भागते भागते यहाँ की मूर्तियों को खंडित किया और माता के आभूषण व चांदी के छत्र को चुरा लिया। माता के अद्भुत चमत्कार से रेतीले दोनों में छत्र चुराने वाले शत्रु सैनिक के पांव स्वतः ही जड़बत हो गए और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। विजय देवी का अमर वरदान और जवानों की बेजोड़ हिम्मत राजस्थान के रणबांकुरों पर आजीवन बहादुरी की गाथा गाएगा। माता के अद्भुत चमत्कार से हमारी सेना और बीएसएफ के जवान ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी कमांडर कर्नल शाहनवाज खान भी अभिभूत हो गए और ब्रिगेडियर बनने के बाद माता के आशीर्वाद हेतु भारत आकर माँ को चांदी का छत्र भेंट किया, जो आज भी मंदिर में मौजूद है। इसी प्रकार 1971 के युद्ध में लोंगेवाला पोस्ट में मात्र 120 सिपाहियों, दो एंटी टैंक आरसीएल गन के साथ हमारे जवानों ने दुश्मन के प्रथम हमले को नाकाम कर उनके कई टैंक और गाड़ियों को नेस्त नाबूद कर दिया। मोर्चों में मौजूद प्रत्येक जवान को माता की उपस्थिति की अनुभूति हो रही थी, मानो माँ कह रही हो डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो उनके साथ है। कोई भी स्थान जब जागृत होता है तब पारलौकिक अनुभूतियों का क्रम प्रारंभ हो जाता है। 1965 के युद्ध के कुछ समय बाद ही पोस्ट के जवान गुमान सिंह जी को माँ तनोट राय ने स्वप्न में दर्शन देकर सैकड़ों वर्ष पूर्व इसी स्थान पर स्थापित मंदिर रेतीले आंधियों के थपेड़ों के बीच जमीन से कई फीट नीचे दबी मूर्तियों को निकालकर मंदिर में स्थापित करने का निर्देश दिया। ये स्थान वर्तमान मंदिर से पश्चिम दिशा में लगभग 50-60 मीटर की दूरी पर है। श्री गुमान सिंह जी ने माँ के बधाई एक निश्चित स्थान पर खुदाई की, जिसमें आवड़ माता सहित 7 बहनों की लकड़ी की मूर्ति, एक तलवार, चिमटा, नगाड़ा और त्रिशूल आदि शस्त्र मिले। ये मूर्ति आज भी तनोट राय मंदिर में मौजूद है और माता के अन्य शस्त्र गुमान सिंह जी के गांव समीचा में उनके द्वारा स्थापित श्री तनोट राय मंदिर में आज भी रखे हुए हैं। मंदिर के संग्रहालय में माता के चमत्कारों से न फटने वाले बम और पाक के ब्रिगेडियर शाहनवाज खान द्वारा माता को चढ़ाया गया चांदी का छत्र तनोट माता की शक्ति की जीवंतता के प्रमाण है। माता के ये अद्भुत चमत्कार आज संपूर्ण भारतवर्ष के लिए श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। मन में अगाध श्रद्धा लिए प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों भक्त और नवविवाहित जोड़े माता के चरणों में आशीर्वाद लेने आते हैं और यहाँ की ज्योत को सकारात्मक ऊर्जा के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। कई मंत्रीगण और जनप्रतिनिधि माँ के आशीर्वाद से अपने को धन्य मानते हैं। मंशापूर्ण माता के दरबार में भक्त रुमाल बांध कर अपनी मन्नत मांगते हैं। नवरात्रि विशेष पर यहाँ भक्तों का जनसैलाब उमड़ जाता है, जिसे बीएसएफ द्वारा प्रबंधन के साथ साथ प्रतिदिन प्रसाद रूपी भंडारा भी चलाया जाता है।
होठों पर जीवन पर्यंत कर्तव्य के संकल्प को सदैव चरितार्थ करने वाले सीमा के प्रहरी 1965 से ही सरहदों की निगहबानी के साथ साथ तनोट माता मंदिर का रख रखाव, पूजा पाठ और माता की सेवा में दिन रात तत्पर रहते हैं। यहाँ की नियमित आरती भक्तों का मन मोह लेती है। अपने दायित्वों के कुशल नेतृत्व और निष्पादन की क्षमता देश की पहली रक्षा पंक्ति होने का प्रतिष्ठित सम्मान दिलाती है। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से ये वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। जय हिंद।